Hello students, welcome to our channel In Focus Study. In this video we will discuss the important question in previous year paper of Bakola 138. ठीक है, so देखते हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है ये. क्वेश्चन काफी इजी आते हैं. 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ, मैंने बता दिया था आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ आई थिंक 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल. देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं. हाँ, 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक से होते हैं, लाइक व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन. सो ये किसको नहीं पता होगा वर्बल कम्युनिकेशन. देखो, कम्युनिकेशन दो टाइप के हम डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल. ठीक है, वर्बल जो हम बोल के करते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. अब इसके जो जो टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप आपको बता देने हैं. ठीक है, तो आप इजी से बुक में आपको इसलिए इसके आंसर मिल जाएंगे. 20 मार्क्स यहाँ से कवर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है कि डिस्कस पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसका पर्पस क्या होता है, गिविंग अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल के साथ. फिर डिस्कस वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन चैनल को चुनने में मदद करते हैं, लाइक रिसोर्सेज ईजिली मिल जाए. ठीक है, वाटर ईजिली मिल जाए, लेबर ईजिली मिल जाए. फिर लेटर एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का. ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं बोला जाए तो. ठीक है, 10 10 मार्क्स से 20 मार्क्स से लेटर कवर. लेटर में बताने की जरूरत है ही नहीं, प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं. एक्सप्लेन द मैनेजर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट ऑफ अ मीटिंग. जो मीटिंग होती है उसमें मिनट की क्या इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स नहीं कुछ वर्ड्स आते हैं. आपको देख फोरकास्ट क्या होता है, प्राइस पॉइंट क्या होता है, थिंकिंग आउट द बॉक्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट क्या होता है. सो ये सब आपको बताना होता है. फिर एक और क्वेश्चन आता है नॉर्मल, लाइक व्हाट इज मीन बाय कॉन्फ्रेंस कॉल. तो ये लास्ट के चैप्टर से आता है. फिर एक शॉर्ट नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स भी इजी होता है. ठीक है, सो पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा पेपर होता है. जो अच्छे से करके गया है वो पास हो जाएगा, और जो थोड़ा और अच्छे से करके गया उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें. ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आएगा. बाकी वीडियोस में धीरे धीरे करके लाऊंगा. ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.